जय माता जी। मैं हूं पंडित युगवीर जैन। हमारे आज के इस वीडियो में हम माता पिता का जो लोग अपमान करते हैं उनकी कुंडली में कौन से ग्रह बिगड़ेंगे, इसके ऊपर हम लोग ये जानकारी लेके आए हैं। तो देखिए, आजकल हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं, वीडियोज आते हैं कई बार कि बहू अपने बूढ़ी सास को मार रही है, बूढ़े ससुर को मार रही है, कई कुछ बच्चे अपने सगी माँ को मार रहा है, कोई लड़का कोई अपने पिता को मार रहा है, ऐसी बहुत आजकल बहुत ज़्यादा सुनने में देखने में आता है। तो ये बहुत ही खराब चीज़ है, क्योंकि माँ बाप हमारे पहले भगवान हैं, उनका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद जब इतनी खराब चीज़ जब लोग करते हैं, पहले जो पलंग पे पड़े हुए होते हैं बुजुर्ग इतने व्यक्ति, और उनके साथ इतना बुरा बर्ताव करना जिन्होंने इंसान को बड़ा किया है खिला पिला के, ध्यान रख के, तो आज आप इस काबिल बने हो कि आज आप दुनिया में जी पा रहे हो, और आप उसी इंसान को आज आप मार रहे हो बुजुर्ग होने के बाद। इसके अलावा सेकंड ये बात आती है, चलो इसके अलावा दूसरी बात कि कुछ लोग खर्चा पानी नहीं देते हैं माता पिता को, उनको जो एक्सपेंस देना होता है। कई बार शादी हो जाती है तो शादी होने के बाद कई बार आदमी पूरी तरह पत्नी का सुनने लगता है, और वहाँ पे भी कई बार माँ बाप के साथ नाइंसाफी होती है, उनका ध्यान नहीं रखा जाता है, कई बार प्रॉपर उनको पैसा नहीं दिया जाता है, हर तरीके के लोग मौजूद है दुनिया में। तो ये सब चीज़ें जब होती है तो ऐसे लोगों की कुंडली में कौन से ग्रह बिगड़ते हैं। देखिए, माता का संबंध होता है चंद्रमा के साथ और पिता का संबंध होता है सूर्य के साथ। और देखिए, चंद्रमा का सीधा संबंध है आपकी सुख शांति के साथ। और सूर्य का सीधा संबंध है सफलता। अब देखिए कि किसी भी इंसान के जीवन में अगर सफलता नहीं होगी तो उसे कोई नहीं पहचानेगा। आज कोई भी इंसान को कहीं ना कहीं सफल होता है तो उसकी परिवार भी इज्जत करता है, समाज भी इज्जत करता है। एक इंसान है, आप मुझे बताइए, जो घर पे बैठा है, कमा नहीं रहा है, उसके माँ बाप भी उसकी इज्जत नहीं करते, उसका परिवार भी उसकी इज्जत नहीं करता। इंसान कुछ करता है, मेहनत करता है, सबका ध्यान रखता है, जो सफल व्यक्ति होते हैं उसे पूरी दुनिया याद रखती है। सुख शांति, जिसके अगर आदमी के पास सब कुछ है, सफलता भी है, पैसा भी है, दौलत भी है, लेकिन सुख ही नहीं है मन में, शांति ही नहीं है जीवन में, तो भी उसकी लाइफ वेस्ट है। तब इंसान डिप्रेशन में आके करोड़ों रुपए होने के बावजूद कुछ लोग हम देखते हैं सुसाइड कर रहे हैं। आदमी सुसाइड कब करता है, ये जिसके जीवन में सुख शांति नहीं होती है। जब आदमी एकदम निराश हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, मतलब क्या हुआ, सुख खत्म हो गया। तो कहने का मतलब कि चंद्रमा हमारे जीवन में कितने इंपॉर्टेंट है और सूर्य कितने इंपॉर्टेंट है। तो चंद्रमा माता है, सूर्य पिता है, तो आपको अपने माता पिता का रिस्पेक्ट करना चाहिए। रोज सुबह उनके पैर छूइए, आप वो भी नहीं कर सकते कोई बात नहीं, कम से कम उनका रिस्पेक्ट करिए, उनकी जरूरतें पूरी करिए। ऐसा नहीं कि आप वो उनको कुछ पैसे की जरूरत है, और कुछ लोग जैसे कि उनको खर्चे के लिए परेशान करते हैं, पत्नी के भले पत्नी के आने के बाद उनको पत्नी गालियाँ दे रही है, वो चुपचाप सुन रहे हैं, ऐसे कई तरह के लोग हमने किससे सब देखने को सुनने को मिलते हैं आजकल। तो थोड़ा सा आपको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, उन्होंने आपको पैदा किया, आप उनकी रिस्पेक्ट करिए। अगर आप माता का सेवा आप माता की सेवा कर रहे हो तो चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में खराब भी है तो धीरे धीरे अच्छा होता जाता है। चंद्रमा तो हमारे जीवन का सुख शांति है, बालारिष्ट है। चंद्रमा अशुभ होता है बच्चे की कुंडली में तो बालारिष्ट होता है, यानी छोटी उम्र में जो घात होती है उसमें भी चंद्रमा का रोल होता है। यानी आप सोचिए चंद्रमा का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। सूर्य हमारी जीवन की शक्ति है, सफलता है, हमारा प्रभाव है जीवन में। तो सूर्य और चंद्र हमारे जीवन के बहुत ही जरूरी ग्रह है। तो आप अगर माता पिता की सेवा कीजिए, आपकी कुंडली में अगर ये ग्रह कमजोर भी है तब भी आपको अगर उनके आशीर्वाद देने से ग्रहों को आप सुधार सकते हैं। अगर आपका चंद्र बहुत खराब है तो ज्योतिषी आपको माता का आशीर्वाद लेने का उपाय बताएगा। सूर्य बहुत कमजोर है तो उसमें एक उपाय में पिता की सेवा भी आएगी। तो इस तरीके से आप जनरली बगैर कुंडली दिखाए आप करिए, आपके जीवन में सुख शांति और सफलता ऐसे ही बढ़ेगी। और जो लोग अमानवीय कृत्य कर रहे हैं, इस तरीके से माँ बाप को प्रताड़ित करना है, उनके साथ अन्याय करना है, तो उनको तो देखिए हम सब जानते हैं कर्मों का फल किसी को छोड़ता नहीं है, तो ये चीज़ बहुत खराब है। तो ये हमने देखा कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से माता पिता का अपमान करने पर कौन से ग्रह बिगड़ते हैं और उनका क्या शुभ फल होता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आएंगे एस्ट्रोलॉजी से संबंधित हमारे अगले वीडियोज में। और हमारे कार्यालय से अगर कुंडली दिखानी है तो अपॉइंटमेंट बुक करके आप कुंडली दिखा सकते हैं, हमारी फीस ट्रांसफर करके अपॉइंटमेंट बुक होती है। धन्यवाद।